चलिए, नाइन्थ क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या औरतों ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्रांति करी थी? तो हम देखेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में शुरुआत से ही अगर हम देखेंगे तो वुमेन ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था, जिसकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आए थे। इनको लगा कि इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा, कुछ मेजर्स उनके लिए इम्प्रूव, उनकी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाए जाएंगे। ज़्यादातर वुमेन जो थी बेसिकली वो थर्ड एस्टेट वाली जो थी वो वर्किंग वुमेन भी थी, यानी उन्हें घर संभालने के अलावा घर के बाहर काम भी करना पड़ता था, जैसे सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस हैं, कपड़े धोना, प्रेस करना, फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल्ड करना। उसके अलावा डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर भी वो अमीर घर के लोगों के यहाँ काम किया करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। उसके अलावा ज़्यादातर औरतें ऐसी थी जिनको एजुकेशन नहीं मिली हुई थी या कोई ट्रेनिंग इनको नहीं मिली हुई थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स, सिर्फ जो डॉटर्स थी नोबल्स की, यानी जो नोबल थे या वेल्दी मेम्बर्स थे थर्ड एस्टेट के, उन्हीं की जो बेटियाँ थी वो कॉन्वेंट वगैरह में जाके पढ़ती थी और उसके बाद उनकी मैरिज वगैरह अरेंज कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन had also to care for their family. Working women घर से बाहर तो काम करती थी लेकिन अपनी फैमिली की भी देखभाल करनी पड़ती थी। उसके अलावा जैसे काम क्या क्या है, कुकिंग करना, फेच वाटर, घर से बाहर जाके पानी भर के लाना, फिर उसके बाद ब्रेक जो ब्रेड वगैरह है या राशन वगैरह उसके लिए लाइन में लगना, अपने बच्चों की देखभाल करना। हालांकि इनकी तनख्वाहें जो थी वो आदमियों कंपेरेटिवली काफ़ी कम भी थी। उसके अलावा अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह निकाले। उसके अलावा अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। अलग अलग शहरों में फ्रांस के 60 वुमेन क्लब से भी ज़्यादा बनाए गए थे। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था आपका द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जो आपको याद रखना है सबसे फेमस क्लब यही था। उसके अलावा जो मेन डिमांड थी इन लेडीज़ की वो क्या थी, एन्जॉय द सेम पोलिटिकल राइट एज मैन। ये चाहती थी कि जो पोलिटिकल राइट मैन को मिले हुए हैं वैसे इनको भी दिए जाएं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 की वजह से उसमें भी इनको काफ़ी डिसअपॉइंट किया, इनको पैसिव सिटीजन पे लाके खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे द डिमांड, दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली। उसके अलावा इनको राइट टू वोट दिया जाए, इलेक्शन के लिए अधिकार दिए जाएँ, पॉलिटिकल ऑफिस में इनको मेंबरशिप दी जाए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तभी इनको लगता था कि इसी, अगर ऐसा हमको अधिकार दिए जाएंगे पॉलिटिकल फील्ड में तभी हमारी जो है आवाज़ आके पहुंचेगी और ये गवर्नमेंट तभी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेगी। इन द अर्ली ईयर्स जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी उसने शुरुआत में कुछ लॉज इनके लिए इंट्रोड्यूस करे थे जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट क्या क्या थे। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल वगैरह बनाए गए, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स और स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इन टू मैरिज। अब पेरेंट्स जो हैं उनकी मर्जी के खिलाफ उनको मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मैरिज एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रहेगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा सिविल लॉ के अकॉर्डिंग और डिवोर्स भी लीगल तरीके से ही होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अब आदमी ही अप्लाई करेगा, अगर वुमेन सेटिस्फाई नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकती है। उसके अलावा वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब। अब इनको जॉब ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाएगी, ये अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, जो इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए था इनका स्ट्रगल चलता रहा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। लेकिन जब रीजन ऑफ टेरर था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो टाइम आया, उस वक्त वुमेन क्लब सारे बंद कर दिए गए, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया। और उसके बाद मेनी गवर्नमेंट वुमेन वर मेनी एक्टिव वुमेन, काफ़ी सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन थी इस रेवोल्यूशन में उनको अरेस्ट कर दिया गया, उनको एग्जीक्यूट भी किया गया। उसके अलावा वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स, जो इनका वोटिंग राइट के लिए जो इनका जो स्ट्रगल था वो आगे भी कंटिन्यू रहा, इक्वल वेजेस को लेकर कंटिन्यू रहा और अगले 200 साल तक ये चीज़ें चलती रही। अल्टीमेटली द फाइट फॉर वोट वॉज कैरियड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया था ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग
इंस्पायरिंग मेमोरी। फाइनली 1946 में राइट टू वोट जो है वुमेन को फ्रांस में दिया गया।